जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बैल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस भाव के साथ में, जिस फीलिंग के साथ में, जिस एटमॉस्फेयर के साथ में आप खाना खाते हैं, वही खाना हमारे शरीर के अंदर जा कर के प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। और अगर हम अच्छे मन से खाते हैं, वही हमारे शरीर के अंदर मिरेकल रूप भी ले लेता है। वो कैसे होता है? जब भी आप खाना खाएं, दिन में दो बार खा रहे हैं, तीन बार खाने हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए, एक तो खुशी मन से खाना खाइए, दुखी मन से कभी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि खाना और पानी एक एनर्जी है। जिस भाव के साथ में, जिस फीलिंग के साथ में आप खाएंगे, वही हमारे शरीर के अंदर जाएगा और वही रूप लेना शुरू कर देगा। अगर नेगेटिविटी के साथ में खाया है तो नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर जाएगी, पॉजिटिविटी के साथ में खाया है तो पॉजिटिविटी हमारे शरीर के अंदर जाएगी। कभी भी खाना खाते समय टीवी को देख करके खाना ना खाएं, हमेशा दुखी मन से कभी ना खाना खाएं। अगर घर के अंदर किसी वजह से कोई टेंशन हो गई है तो उस समय बिल्कुल खाना नहीं खाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें और एक गिलास पानी, पॉजिटिव होकर के पानी को पिएं और उसके बाद में उस भोजन को ग्रहण करें। जब भी आप खाना खाएं, अपने दोनों हाथों को उस खाने के ऊपर रखना है और आपने आँखें बंद करके प्रेयर करनी है, एक सेकंड, एक मिनट, जितना भी आपके पास में समय है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में खाना नहीं है, जिनके पास में एक अन्न का दाना नहीं है, और आपको शुक्रिया करना चाहिए उस प्रभु का कि जिसने हमको खाना दिया है। खाने को कभी वेस्ट भी नहीं करना है। खाने के ऊपर आपने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद में मन ही मन के अंदर प्रार्थना करनी है कि ये खाना मेरे लिए बहुत पौष्टिक रहेगा, ये खाना मेरे लिए बहुत हेल्दी है, ये खाना खाने के बाद में मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, जो भी मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव होकर के सोच रहा हूँ, मेरी सोच बहुत अच्छी हो गई है इस खाने को खाने के बाद में। कहते हैं, जब हम पॉजिटिव रेज देते हैं और अपने हाथों से पॉजिटिव रेज देते हैं तो वो खाना एनर्जाइज हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। करने के बाद में आपने शुक्रिया ज़रूर करना है। खाना आने के बाद सबसे पहला आपने शुक्रिया करना है और उस खाने को पावर देनी है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में खाने को एक एनर्जी देते हैं तो खाना हमारे लिए पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें आती हैं, उन सब को आप प्रेयर करें, उनके लिए प्रेयर करें और साथ में शुक्रिया ज़रूर करें, धन्यवाद ज़रूर करें। कहते हैं, एक धन्यवाद करने से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम होते हैं ना, वो भी बन जाते हैं। खाना खाते समय कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े भी यही कहा करते थे, खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बड़े प्यार से खाना खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ध्यान रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप खाना खाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और लगातार जब अपनी ज़िंदगी का एक ये नियम बना लेंगे ना आप कि मेरे को खाना खाते समय इस तरीके से करना है, प्रेयर करनी है, थैंक यू करना है, तो आप देखेंगे कि वो खाना जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगना शुरू हो जाएगा, साथ में आपकी सोच के अंदर मिरेकल चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, मिरेकल रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार खुश रहे। समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिएगा। जय श्री राम।